छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में आजादी के महापर्व पर ग्रामीणों ने कहा, आखिर हमें हर साल बारिश के मौसम में आवागमन के लिए पुल की गुलामी से कब और कैसे मिलेगी मुक्ति। आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर को वैसे तो पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन डोंडी लोहारा विकास खंड के ग्राम पंचायत हीता पठार अंतर्गत ग्राम उड़पाड़, जो महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया द्वारा गोद लिया गया है, जो चारों तरफ नदी नालों से घिरा हुआ है, यह लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के पिछड़ेपन की गुलामी से आजाद होने के लिए संघर्ष करने को मजबूर है। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर होने से गांव का मुख्यधारा से संपर्क टूट गया है, जिससे ग्रामीण इस आजादी के महापर्व में भी घरों में कैद रहने को मजबूर है। आदिवासी अंचल होने के कारण शासन प्रशासन की लापरवाही एवं मूलभूत सुविधाओं के पिछड़ेपन की सजा भुगत रहे हैं। ग्रामीणों को आवागमन में हो रही है असुविधा पर नाराजगी जताते हुए डोंडी लोहारा भाजपा मंडल के महामंत्री दारा सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार के शासनकाल में मुड़पार विकास के लिए तरस रहा है, बारिश के दिनों में आवागमन के लिए कोई भी मार्ग नहीं है। पूरे देश में आज अमृत महोत्सव के रूप में आजादी के 75वें वर्ष को मनाने जा रहे हैं और पूरे देश में प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में अमृत महोत्सव को इस तिरंगा झंडा का सम्मान करते हुए इस तिरंगे को के आन बान शान को वर्षों वर्षों तक अमर रहे इस गाथा में आने वाला इतिहास में हम सबका इस अमृत महोत्सव में हम सब थे इस बात को इतिहास में लिखने के लिए और आज़ादी में के लिए दिए हुए कुर्बान किए हुए वीर शहीदों को नमन करते हुए अमृत महोत्सव को बहुत अच्छे तरीके से पूरे देश में मनाया जा रहा है। बालोद से दीपक देवांगन, सीजी विजन टीवी।